उत्तर प्रदेश में अगर इंडिया पॉलिटिकल ब्लॉक अच्छा प्रदर्शन करना चाहता है तो उसके लिए मायावती को साथ लेना जरूरी है। अगर मायावती को अपने राजनीतिक वजूद को बचाना है तो इंडिया के साथ जाना उनकी मजबूरी है। तो कितनी जरूरी है मायावती, कितनी मजबूरी है मायावती, इसकी आज विवेचना करने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही। आप मुझसे जुड़ चुके हैं, इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। और अगले 6-7 मिनट में आपसे जुड़े रहने की कोशिश करूंगा। मायावती की पार्टी के सांसद आमतौर पर इस तरह खुलकर सामने आते नहीं हैं, इस तरह अपनी राय रखते नहीं हैं। तो क्या मायावती के सांसदों को लगने लगा है कि मायावती ने अगर इंडिया ब्लॉक का साथ नहीं दिया तो वो खुद मारे जाएंगे, उनकी राजनीति, उनका वजूद खत्म हो जाएगा? जौनपुर से सांसद हैं, उन्होंने तो खुलकर इंडियन एक्सप्रेस में, यादव जी हैं, उन्होंने खुलकर कहा कि साहब वैसे तो मायावती जी को तय करना है, बहन जी को तय करना है, लेकिन हमें तो ऐसा लगता है कि इंडिया ब्लॉक के साथ जाना जरूरी है। इसके पीछे वो लोग तर्क भी दे रहे हैं, 3-4 बड़े तर्क दे रहे हैं। मायावती के सांसदों का कहना है कि मायावती अपने बिल्कुल क्लोज के लोगों की सुनती है, बाकी लोगों की सुनती नहीं है, इसीलिए शायद वो मजबूरी में अखबार में बयानबाजी हुई है ताकि अखबार के जरिए मायावती को बताया जा सके कि क्या वो लोग सोचते हैं। बीएसपी के सांसद होने के नाते उनका कहना है कि देखिए, मायावती का वोट बैंक लगातार कम हो रहा है। लोकसभा चुनाव में 19% वोट मिला था, 10 सीटें मिली थी जब समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था। उसके बाद विधानसभा चुनाव अकेले लड़ा तो अकेली 1 सीट विधानसभा की, 403 में से सिर्फ 1 सीट मायावती को मिली। उस मायावती की पार्टी को जिनको 2007 में 200 से ज्यादा सीटें मिली थी, अपने दम पर वो बहुमत लेकर आई थी, और वोट परसेंटेज भी घटकर करीब 12% रह गया। यानी मोटे तौर पर जो जाटव वोट बैंक तक ही सीमित कर रह गई है मायावती, और अगर लोकसभा चुनाव में भी वो अकेले लड़ती हैं तो उनके साथ जुड़ा हुआ मुस्लिम वोट भी हाथ से निकल जाएगा, और जाटव वोट के सहारे राजनीति चल नहीं सकती। दूसरा तर्क है कि साहब अगर मायावती अकेले चुनाव लड़ती हैं, इंडिया ब्लॉक के साथ नहीं जाती हैं, तो वो इनडायरेक्ट रूप से बीजेपी को फायदा कराएंगी, क्योंकि वो इंडिया का वोट बैंक में सेंध लगाएंगी और उससे फायदा बीजेपी को होगा। मोटे तौर पर मायावती के हाथ तो कुछ नहीं आएगा, उल्टा वो वोट कटवा साबित होंगी, और मायावती के लिए जिस तरह की वो राजनीति करती रही हैं, इस तरह का उनके लिए शब्द का इस्तेमाल करना भी थोड़ा सा अमर्यादित सा हो जाता है, लेकिन जमीन पर जो स्थितियां दिख रही हैं यूपी में, वो तो इसी तरफ इशारा कर रही हैं। तीसरा उनका कहना है कि अगर मायावती अकेले गई तो मुसलमान साथ नहीं देगा, क्योंकि मुसलमान उसी पार्टी का साथ देगा या उस गठबंधन का साथ देगा जो उनकी नजर में बीजेपी को हराने की क्षमता रखता हो। साफ तौर पर जहां कांग्रेस, आरएलडी और समाजवादी पार्टी एक तरफ खड़ी होंगी, तो मुसलमान एन ब्लॉक मायावती के साथ नहीं जाकर एन ब्लॉक इस गठबंधन के साथ चला जाएगा, तो ये नुकसान होगा। लेकिन आप लोग खुलकर बोलते क्यों नहीं है, ये पूछा गया अखबार में, इंडियन एक्सप्रेस में खबर जो छपी है उसके अनुसार। तो एक दो सांसदों ने कहा, साहब इमरान मसूद थे पश्चिमी यूपी में, बीएसपी का एक बड़ा मुस्लिम चेहरा हुआ करते थे, उन्होंने कांग्रेस का के साथ जाने की बात रख दी थी और थोड़ी वकालत कर दी थी, तो मायावती ने उनको पार्टी से निकाल फेंका था, तो इस कारण भी डर है। अब मोटे तौर पर देखिए, संख्या के हिसाब से देखा जाए तो पिछली बार भी मायावती को लोकसभा चुनाव में करीब 18% वोट मिला था, 19% वोट मिला था, समाजवादी पार्टी को 18% वोट मिला था, कुल मिलाकर ये करीब 37-38% वोट था, और उसमें कांग्रेस का समण जाति का 6-7% वोट आमतौर पर उसको मिल ही जाता है लोकसभा चुनाव में, पिछली बार भी मिला था, वो जोड़ दिया जाए तो 45% के आसपास बैठता है। आरएलडी वगैरह को जोड़ दिया जाए तो करीब करीब 45-46% वोट, और छोटी पार्टियां, चंद्रशेखर रावण की पार्टी, सबको जोड़ दिया जाए तो कागजों में ये स्थिति हो सकती है, और बीजेपी की सीटें 20 से 25 तक कम की जा सकती हैं। और मायावती अगर अलग लड़ती हैं तो फिर बीजेपी हो सकता है कि पिछली बार जो अनुप्रिया पटेल के साथ मिलकर 64 सीटें जीती थी, वो संख्या 70 पार चली जाए, 72-74 चली जाए, और फिर इसका सारा इल्जाम मायावती पर आ जाएगा। मायावती इस बात को भी अच्छी तरह समझ सकती हैं कि अगर राज्य की राजनीति में भी उनको खुलकर राजनीति करनी है
तो अपने देश को बढ़ाना पड़ेगा, अपने आधार को बढ़ाना पड़ेगा। अब अगर 2022 में अखिलेश यादव को आरएलडी के साथ गठबंधन करके 125 के आसपास सीटें नहीं मिलती, वोट प्रतिशत 32% से ज्यादा नहीं मिलता, तो वो लोकसभा चुनाव लड़ने की स्थिति में नहीं होते, कंपटीशन देने की स्थिति में नहीं होते, मैदान में चुनौती देने की स्थिति में नहीं होते। तो जनता भी उसी पार्टी के साथ जाती है जिसे जनता लगता है कि ये पार्टी चुनाव जीत सकती है, ये पार्टी जो सत्तारूढ़ पार्टी है उसको हराने की क्षमता रखती है या टक्कर लेने की क्षमता रखती है। और अगर मायावती इसी तरह हाशिए की राजनीति या बीजेपी की बी टीम बनकर, जैसा कि अपोजिशन के कुछ लोग आरोप लगाते रहे हैं, उसी तरह की राजनीति करती रहेगी, तो भले ही वो उनकी मदद से बीजेपी तीसरी बार केंद्र में सत्ता में आने में कामयाब हो जाए और उत्तर प्रदेश में अच्छी खासी सीटें लाने में कामयाब हो जाए, लेकिन इससे मायावती की झोली में कुछ आने वाला नहीं है। उल्टा मायावती और ज्यादा इररेलीवेंट हो जाएंगी अगले 2027 के विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश में होंगे उसको देखते हुए। तो मायावती को दोनों चीजें देखनी पड़ेंगी, लोकसभा चुनाव भी और 2027 का विधानसभा चुनाव भी, और पार्टी का वजूद भी, पार्टी का जो राजनीतिक जो उनका अस्तित्व है उसको लेकर भी गंभीरता से सोचना होगा। कुछ लोग कह रहे हैं मायावती इस पर सोच रही है लेकिन अभी जल्दबाजी में फैसला नहीं करना चाहती, क्योंकि वो बीजेपी को मौका नहीं देना चाहती, मोदी सरकार को, कि उनके खिलाफ जांच एजेंसियों का इस्तेमाल हो। तो 15 या 16 जनवरी को शायद मायावती का जन्मदिन होता है, वहां कोई इशारा कर सकती हैं और उसके बाद फरवरी में वो अंतिम तौर पर कोई इशारा कर सकती हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि जैसे रामगोपाल यादव हैं, वो नहीं चाहते कि बीएसपी और एसपी के बीच में समझौता हो जाए और सीटें ज्यादा देनी पड़ेंगी, क्योंकि मायावती अगर समझौते में आती हैं जो 25-30 से कम सीटों पर वो शायद मानेगी नहीं, तो ये भी क्या अड़चन इस तरफ से हो सकती है। लेकिन फिर यहाँ कुछ लोगों का कहना है कि अखिलेश यादव 80 सीटें लड़ें और 2-3 सीटें जीतें वो उनके लिए अच्छा है, या वो 40 सीटें जीते और 8-10 सीटें निकालने की क्षमता रखें वो उनके लिए ज़्यादा बेहतर है। शुक्रिया मेरा ये वीडियो देखने के लिए, पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और घंटी जैसी आकृति बेल आइकन दबा दीजिए ताकि नया वीडियो आए तो तत्काल आपको जानकारी मिल जाए। आप मेंबरशिप ड्राइव में जा सकते हैं, मेरी आर्थिक मदद की कोशिश कर सकते हैं और घंटी जैसी आकृति बेल आइकन तो जरूर दबा दीजिए, लेकिन लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिए। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।